Hello everyone, my name is Shukdev. I am from West Bengal. अगर आप अच्छी तरीके से ब्रिज सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सिखाऊंगा कैसे खेलते हैं। तो ये जो हैंड है, क्या आप बता सकते हैं कौन सी ऑनर्स कौन सा हैंड में है? सबसे पहले बिडिंग देख लेते हैं। नॉर्थ पास, ईस्ट पास, ये जो हैंड है पास क्या था, इसका मतलब क्या है? इसके पास 11 एस सी पी नहीं है, और अगर 11 एस सी पी है तो डबल टोन ऑनर्स है। जैसे कि दो कार्ड में कोई भी किंग या तो दो कार्ड में कोई भी क्वीन, इस तरीके का ऑनर्स। मैंने कहा था ऑन क्लब्स वेस्ट ऑन स्पेड, बट फोर्थ सीट पे क्या होता है, 11 एच सी पी की ज़रूरत नहीं है बीट करने के लिए। 8 प्लस एच सी पी अगर होगा तो बीट कर देगा, जैसे कि रोबोट दिखा रहा है। ऑन स्पेड की मीनिंग क्या है? फ्री बीट नहीं, वन लेवल ओवर कॉल, 5 प्लस स्पेड, 8 to 17 एच सी पी, 9 to 19 टोटल पॉइंट्स। मेरे पार्टनर क्या था, 2 डायमंड। ईस्ट क्या क्या था, 2 स्पेड सपोर्ट क्या था, इसका मीनिंग क्या दिखा रहा है, 6 to 10 टोटल पॉइंट्स। मैंने किया था 3 क्लब्स और वेस्ट हैंड पास, वेस्ट हैंड 3 स्पेड बीट नहीं किया था। मेरे पार्टनर ने 3 डायमंड एंड ईस्ट किया था पास, ईस्ट दोबारा सपोर्ट नहीं किया उनके पार्टनर को। तो आप जो है क्या करना होगा हमें, हमारे पास कितना हाई कार्ड पॉइंट है, 20 हाई कार्ड पॉइंट है, हाई कार्ड पॉइंट 20 हाई कार्ड पॉइंट एंड बाहर 20 हाई कार्ड पॉइंट और भी है, लेकिन बात यह है कि 20 हाई कार्ड पॉइंट के साथ हमने क्या किया, 4 लेवल हार्ट बीट किया था, लेकिन वो लोग क्या क्या था, 4 लेवल तो दूर की बात, 3 लेवल स्पीड भी बीट नहीं कर पाया। वो लोग, मैंने जब सेकेंड राउंड में 3 क्लब्स बीट किया था, वो स्टैंड क्या क्या था, पास किया था एंड स्टैंड भी पास कर दिया था, 3 स्पेड भी बीट नहीं कर पाया वो लोग 20 HCP के साथ। बट हम लोगों ने क्या किया, 20 HCP के साथ 4 हार्ट बीट किया था। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि वेस्ट हैंड एंड ईस्ट हैंड, ये जो दोनों हैंड है, दोनों हैंड ही बैलेंसड हैंड है, मतलब वेस्ट हैंड के पास बैलेंसड हैंड है और ईस्ट हैंड के पास बैलेंसड हैंड है, और हो भी सकता है कि सेमी बैलेंसड हैंड है, लेकिन अनबैलेंसड हैंड ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वेस्ट हैंड के पास अनबैलेंसड हैंड होता तो वेस्ट क्या करता, 3 स्पेड बीट करता। अगर साउथ ईस्ट के पास अनबैलेंसड हैंड होता तो क्या करता, 3 स्पेड बीट करता, सपोर्ट करता एक सेकेंड राउंड में, यहाँ पर पास नहीं करता। तो इसका मतलब है दोनों ही हैंड में बैलेंसड हैंड है, और नहीं तो एक हैंड बैलेंसड है और दूसरा हैंड सेमी बैलेंसड हैंड है। बैलेंसड हैंड का मतलब क्या है, ना तो कोई वॉइड है और कोई भी कार्ड जो है ऑन कार्ड नहीं है, और मैक्सिमम जो है 1 डबल टोन है, मतलब 1 डबल टोन से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 20 HCP के साथ 4 हार्ट बीट किया, लेकिन वो लोग 3 स्पेड भी बीट नहीं कर पाया 20 HCP के साथ, इसलिए क्योंकि वो लोगों के पास बैलेंसड हैंड है। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो लोगों के पास दोनों ही हैंड में, वेस्ट हैंड एंड ईस्ट हैंड, दोनों के पास ही बैलेंसड हैंड है।
आप जो है कैलकुलेशन कीजिए कि ये जो ईस्ट हैंड है, ईस्ट हैंड के पास ओनली 6 HCP है। अगर ईस्ट हैंड के पास ओनली 6 HCP है तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट हैंड में 14 HCP है। अगर वेस्ट हैंड में 14 HCP होता तो वो क्यों 3 स्पेड बिड नहीं किया, तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि ईस्ट हैंड में 6 HCP एंड वेस्ट हैंड में 14 HCP, ऐसा नहीं है। तो वेस्ट हैंड में 13 HCP एंड ईस्ट हैंड में 7 HCP ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वेस्ट हैंड में ऑन के पास 12 HCP और ईस्ट हैंड के पास 8 HCP, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टोटली जो है वेस्ट हैंड जो है वेस्ट हैंड के पास 13 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, चाहे वो 13 HCP हो या 13 पॉइंट हो, 13 पॉइंट या 13 HCP के ज़्यादा वेस्ट हैंड में नहीं है। और एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि ईस्ट हैंड के पास 9 HCP है। अगर ऐसा है कि ईस्ट हैंड के पास 9 HCP है और जो वेस्ट है वेस्ट के पास 11 HCP है, तो बात यह है ये जो थर्ड राउंड ईस्ट हैंड पास क्यों किया 9 HCP अगर ईस्ट के पास है, उन्हें तो 3 स्पेड बीट करना चाहिए था। अगर 9 HCP है तो 3 स्पेड ज़रूर बीट करते, पास नहीं करते। और अगर 9 HCP है तो वो 9 HCP के साथ डबल टोन क्वीन ज़रूर है। तो अब आपके पास कितना हाई बिग ऑनर्स है वो काउंट करना पड़ेगा। मेरे पास हार्ट की एक्स एंड किंग 2 बिग ऑनर्स और मेरे पार्टनर के पास डायमंड के किंग 3 बिग ऑनर्स। बिग ऑनर्स का मीनिंग ये है एक्स एंड किंग, इसे कहते हैं बिग ऑनर्स, एक्स एंड किंग। तो हमारे पास 3 बिग ऑनर्स है और बाहर जो है 5 बिग ऑनर्स अब भी है। और 5 बिग ऑनर्स में से 1 बिग ऑनर्स ऑलरेडी हमने देखा है क्लब्स की एक्स, जो कि वेस्ट हैंड लीड किया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपोनेंट के कौन सा ओपोनेंट बीटिंग पहले किया था, ये जो वेस्ट हैंड है वेस्ट हैंड पहले बीट किया था और ईस्ट हैंड क्या किया था, सपोर्ट किया था ईस्ट हैंड को। तो 5 बिग ऑनर्स बाहर है, तो 5 बिग ऑनर्स में से 3 बिग ऑनर्स एटलीस्ट, 3 बिग ऑनर्स एटलीस्ट नहीं करेक्टली बोल रहा हो कि 3 बिग ऑनर्स जो है ये जो वेस्ट हैंड है वेस्ट हैंड के पास है 3 बिग ऑनर्स। क्लब्स की एक्स हमने देख लिया 1 बिग ऑनर्स, हो सकता है कि स्पेड के किंग या स्पेड की एक्स दोनों ही वेस्ट हैंड में है। अगर ऐसा है तो डायमंड की जो एक्स है वो है ईस्ट हैंड के पास और हार्ट के जो क्वीन है वो भी ईस्ट हैंड में ही होने का पॉसिबिलिटीज है। और अगर वेस्ट हैंड में मान लीजिए कि स्पेड की एक्स है, क्लब्स की एक्स और डायमंड की एक्स 3x वेस्ट हैंड में है, तब क्या होगा, तब स्पेड की जो किंग है किंग होगा ए हैंड में, क्लब्स की किंग होगा ईस्ट हैंड में और हार्ट की जो क्वीन है क्वीन होगा ईस्ट हैंड में। मतलब 3 बिग ऑनर्स ये जो वेस्ट हैंड है वेस्ट हैंड में 3 बिग ऑनर्स ज़रूर है। तो आप चलते हैं खेल की ओर। पहले क्या लेट किया, क्लब्स के एक्स लेट किया, वेस्ट हैंड ने 1 स्पेड बिट किया था, ईस्ट सपोर्ट किया था। लेकिन बात यह है, क्वेश्चन ये है कि क्यों स्पेड नहीं लीड किया, क्लब्स के एक्स क्यों लीड किया। हमारे पास कितना क्लब्स है, 7 कार्ड क्लब्स है। ऐसा हो भी सकता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी हैंड पैर कोई भी सिंगल टोन नहीं है, ऐसा हो सकता है ये जो वेस्ट हैंड है क्लब्स के एक्स के साथ और स्मॉल एक क्लब्स है, और हो सकता है
क्लब्स के जो किंग है, किंग भी है दो कार्ड में, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वेस्ट हैंड जो है एक ट्रियम्प करने के लिए क्लब्स की एक्स लीड कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर वेस्ट हैंड में स्पेड की एक्स एंड स्पेड की किंग दोनों ही ऑनर्स रहता तो क्या होता, वो पहले स्पेड की किंग खेलता या तो एक्स खेलता हमारे जो डामी हैंड है डामी हैंड को देखने के लिए, लेकिन पहले स्पेड नहीं खेला। इसका मतलब क्या है, स्पेड के जो टू बिग ऑनर्स है स्पेड की किंग एंड एक्स दोनों ही ऑनर्स वेस्ट हैंड के पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि स्पेड की एक्स जो है वेस्ट हैंड में है और किंग जो है ईस्ट हैंड में है, और ऐसा हो सकता है कि किंग जो है वेस्ट हैंड में है एक्स जो है ईस्ट हैंड में है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ऑनर्स स्पेड की एक्स एंड स्पेड की किंग दोनों ही ऑनर्स ईस्ट हैंड में है। अगर ऐसा है कि स्पेड की किंग एंड एक्स दोनों ही ईस्ट हैंड में है तब क्या होगा, ये जो डायमंड की एक्स इस हैंड पर होगा, क्लब्स की किंग इस हैंड पर होगा, और हार्ट के जो क्वीन वो भी इस हैंड पर ही होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किंग एंड एक्स दोनों ही एक हैंड में नहीं मिलता है। तो हमने मान लिया कि क्लब्स की जो किंग है ईस्ट हैंड के पास और वेस्ट हैंड में दो कार्ड क्लब्स है, मतलब क्लब्स की एक्स एंड और वन स्मॉल क्लब्स। तो आप जो है बात आते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि वेस्ट हैंड के पास एटलीस्ट थ्री बिग ऑनर्स है। तो क्लब्स के एक्स देख लिया हमने वेस्ट के पास, अब आते हैं स्पेड की एक्स किसके पास है। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, जब कोई भी प्लेयर इस तरीके से क्लब्स की एक्स खेलेगा, मतलब पहले लीड में एक्स खेलेगा, तब क्या होगा, ये जो स्पेड की एक्स है स्पेड की एक्स भी वेस्ट हैंड में ही है, मतलब साइड में कुछ ना कुछ जरूर उनके पास है, जिसलिए क्या गया पहले इजीली एक्स खेल दिया। तो स्पेड की एक्स वेस्ट हैंड होल्ड कर रहा है, क्लब्स की एक्स दो बिग ऑनर्स, तो क्लब्स की एक्स स्पेड की एक्स दो बिग ऑनर्स। अब बात आते हैं कि क्लब्स के किंग इनके पास है और डायमंड की एक्स इनके पास है, क्या है कौन सा है। तो मुझे लगता है क्लब्स की जो किंग है किंग वेस्ट हैंड में है और डायमंड की जो एक्स है वो ईस्ट हैंड में है, मतलब वेस्ट हैंड में क्लब्स की एक्स स्पेड की एक्स क्लब्स के किंग थ्री बिग ऑनर्स वेस्ट हैंड में है और ईस्ट हैंड में डायमंड की एक्स स्पेड की किंग एंड हार्ट के क्वीन, और ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट के क्वीन वेस्ट हैंड में है लेकिन वो क्वीन दो कार्ड में है। तो चलते हैं देखते हैं फाइनल खेलते हैं। आप ये जो
इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं आपको, ये कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके बोला मैंने, डिपेंड करके सिर्फ और सिर्फ बीडिंग, सिर्फ और सिर्फ बीडिंग्स के ऊपर डिपेंड करके ये बोला था। यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन एकदम गलत भी हो सकता है, एकदम गलत भी हो सकता है मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बीडिंग से कुछ पता नहीं चलते। एक के बाद एक ट्रिक्स खेलेंगे, तब क्या होगा, हमारे पास और भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखते हैं खेलकर। आप जो है नीचे से क्या खेलेंगे, नीचे से हम हाथ नहीं खेल सकते, क्योंकि हाथ अगर खेलेंगे और हाथ में फाइनेंस करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लब्स है। तो हम क्या खेलेंगे, डायमंड की किंग खेलेंगे। तो डायमंड की जो एक्स है ईस्ट हैंड में है, तो हम जो है ट्रम्प कर देंगे। ट्रम्प करने के बाद फिर से क्लब्स की जो क्वीन है क्वीन खेलेंगे। तो देखा, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि क्लब्स के जो एक्स है एंड क्लब्स की जो किंग है वो दोनों ही वेस्ट हैंड में है। तो आपने देखा होगा ये चीज, क्लब्स की जो किंग है, किंग दिया है वेस्ट हैंड और पहले एक्स दिया था, और जैसे कि बोला था कि डायमंड के एक्स ईस्ट हैंड में है। तो आपने देख लिया कि डायमंड के जो एक्स है ईस्ट हैंड में दिया था। तो देखते हैं कि स्पेड की एक्स किसके पास है। जैसे कि मैंने कहा था स्पेड की एक्स भी वेस्ट हैंड में ही है, और मैंने ये भी कहा था कि जो बीडिंग से, सिर्फ और सिर्फ बीडिंग से सब कुछ समझ नहीं सकते आप, क्योंकि बीडिंग से हमको क्या मिलता है, प्राइमरी कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन। तो आप क्या करें, सिक्स से ट्रम्प करेंगे, कोई बात नहीं, वेस्ट ईस्ट हैंड में जो है क्लब से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो डायमंड खेलते हैं, तो डायमंड की बारी चल गया है। आप जो है हार्ट के क्वीन के बारी, तो हमने ऑलरेडी क्या देख लिया वेस्ट हैंड में, क्या क्या देख लिया हमने, क्लब्स की किंग, क्लब्स की एक्स, सेवन एच से भी, और हमने कैलकुलेशन कर लिया कि वेस्ट हैंड के पास स्पेड की किंग है, और अगर किंग स्पेड की नहीं है, सॉरी स्पेड की एक्स है, स्पेड की एक्स अगर नहीं है तो किंग तो ज़रूर है। तो दो बिग ओनर्स ऑलरेडी देख लिया वेस्ट हैंड के पास, और एक बिग ओनर्स होने का संभावना है ही है। हार्ट के क्वीन किसके पास है, ईस्ट हैंड में क्या देखा, डायमंड की एक्स देखा ईस्ट हैंड में। तो ईस्ट हैंड क्या क्या था, टू लेवल पर सपोर्ट किया था। तो डायमंड की एक्स फोर एच सी पी, मान लेते हैं कि स्पेड की किंग ईस्ट हैंड में है, सेवन एच सी पी, सेवन एच सी पी। तो हम क्या करेंगे, हार्ट में जो है कोई भी फाइनेंस नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं कि हार्ट के क्वीन किसके पास है, लेकिन फिर भी जो है फाइनेंस नहीं करेंगे, हम इजीली खेलेंगे। ओपोनेंट ने कोई भी ट्रिक्स नहीं मिला ओपोनेंट को अब तक। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा आपको, मुझे पता नहीं कि हार्ट के जो क्वीन है किसके पास है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा जो संभावना है वो है कि हार्ट के क्वीन वेस्ट हैंड में है, लेकिन वेस्ट हैंड में थ्री कार्ड में हार्ट के क्वीन तो होना बहुत मुश्किल है।
तो हार्ट कितना कार्ड गया है, 8 कार्ड, 8। और मेरे पास है, हमने क्या किया था, डामी हैंड से ऑन कार्ड से ट्रम्प किया था, हार्ट में ऑन कार्ड ट्रम्प किया था। और हेयर इज 3 कार्ड हार्ट 4 कार्ड, और पहले जो ऑन राउंड हार्ट खेला था तो 8 कार्ड हार्ट अब तक गया है। और हमारे पास है 2 कार्ड हार्ट, 8 और 2, 10 कार्ड बाहर जो है, अब भी जो है 3 कार्ड हार्ट है। तो अगर हम हार्ट खेलेंगे तो क्या होगा, अगर हम हार्ट खेलेंगे और एक ही हैंड पर हार्ट 3 कार्ड गिरेगा तो क्या होगा, गेम नहीं होगा। लेकिन एक ही हैंड पर 3 कार्ड हार्ट गिनना मुश्किल है। अगर हम हार्ट खेलेंगे, मान लीजिए कि हार्ट के जो क्वीन है इस हैंड पर है, हार्ट के क्वीन है, अगर हार्ट खेलेंगे क्वीन से पकड़ेंगे, और अगर वो स्पेड खेलेगा तो हम ट्रम्प अगर करेंगे तो गेम नहीं होगा, और हम क्लब्स खेलेंगे तो हम क्या करेंगे, हार्ट नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये जो क्लब्स है ना, क्लब्स वेस्ट हैंड में 2 कार्ड होना मुश्किल है। पता नहीं क्लब्स गया है कितने कार्ड, 7 कार्ड, और मेरे पास है 5 कार्ड, नहीं 6 कार्ड गया है क्लब्स, और मेरे पास 5 कार्ड। पता नहीं क्लब्स 3-3 ब्रेक डाउन हुआ है या 4-2। तो हम क्या करेंगे, क्लब्स खेलेंगे। ओह, क्लब जो है, क्लब जो है 4-2 ब्रेक डाउन हुआ है, क्लब्स खेलना नहीं चाहिए था। गलत खेल दिया मैंने, कैलकुलेशन सही से किया था, हार्ट में भी क्या किया, फाइनेंस नहीं किया, तो गेम हो जाएगा। नहीं, गेम नहीं हो रहा है, अगर हार्ट में फाइनेंस करते तो गेम हो जाता, अब गेम हो जाएगा। नहीं, गेम नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्ड क्या होगा, समझ में नहीं आया, हार्ट कहाँ पर गया था, इतना गेम नहीं हो रहा है, हार्ट के क्वीन चला गया है, हार्ट के जो मुझे याद नहीं था एक्चुअली क्या हो गया ना, गेम हो चुका है, हार्ट के क्वीन गेम हो चुका है। लेकिन मेरा जो माइंड है ना, मतलब बिगड़ चुका है, क्योंकि ज़्यादा बात करते करते मेरा को याद नहीं था कि हार्ट जो है कब कितना कार्ड गया था, तो मुझे याद नहीं है ये चीज। तो देखते हैं फिर से, मैंने मिस्टेक कर दिया काउंट करने में, हार्ट के जो काउंटिंग है वो काउंट करने पे ही मिस्टेक कर दिया मैंने, हार्ट के 2 राउंड खेल गया था, हमने 2 बार खेला था हार्ट, और 2 बारी जो है वेस्ट हैंड हार्ट दिया था, मुझे हार्ट के हिसाब नहीं था, याद नहीं था मुझे, इसलिए मुझे डर है। कितना कार्ड हार्ट गया है ये मुझे मालूम ही नहीं था, बात करते करते सबसे पहले वेस्ट हैंड किया, लेट किया था क्लब्स की एक्स, और मैंने क्या किया था, मैं डामी हैंड से ट्रम्प किया था, क्लब्स में ट्रम्प किया था, और ट्रम्प करने के बाद डायमंड खेला था मैंने, डायमंड खेला था। ओहो, मुझे याद नहीं है ये चीज़,
मुझे याद है कि क्लब्स में फर्स्ट राउंड में मैं डामी हैंड से ट्रियम्फ किया था, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि मैंने ट्रियम्फ करने के बाद डायमंड खेला था, ईस्ट हैंड एक्स दिया था और मैंने हार्ट के फाइव से ट्रियम्फ किया है। ये जो हिसाब है इस ट्रियम्फ के फाइव हार्ट के जो फाइव है, फाइव से एक ट्रियम्फ किया था वो मुझे याद नहीं था, इसलिए क्या हो रहा कि मुझे हार्ट के हिसाब याद नहीं था कि मैंने क्या काउंट किया था। ये काउंट किया था कि डामी हैंड से वन कार्ड हार्ट ट्रम्प किया था, वन कार्ड और दो बार खेला था, मतलब कि हिसाब में गोलमेल हो चुका है, लेकिन अच्छा खेल हुआ है। और हार्ट में जो है फाइनेंस करना चाहिए था एक बार मुझे, अगर फाइनेंस करते तो क्या होता, फाइनेंस अगर कर देते थे तो ये जो हार्ट के क्वीन है क्वीन का ट्रिक्स नहीं मिलते बोलोगों को, तो हो सकता है मैंने इजीली खेल दिया हार्ट, इसलिए क्योंकि मुझे हार्ट क्या है ना याद नहीं था मुझे एक्चुअली, बात करते करते कभी कभार ऐसा होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, देखिए मेन मेन थिंग्स जो है वो है स्पेड की एक्स, क्लब्स की किंग, क्लब्स की एक्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था। ये तीन ऑनर्स स्पेड की एक्स, क्लब्स की एक्स एंड क्लब्स की किंग, थ्री बिग ऑनर्स इस हैंड पर है, वेस्ट हैंड पर है और डायमंड के एक्स इस हैंड पर है, क्लब्स की स्पेड की किंग ईस्ट हैंड में है। और यहाँ पर एक बात है, वो बात है मैंने ये बात भी कहा था एक बार वीडियो के पहले, वीडियो के शुरू शुरू में, कि अगर वेस्ट हैंड 11 एच सी पी होल्ड कर रहा है और अगर 11 नहीं 12 एच सी पी, नहीं ये बात नहीं कहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो ईस्ट हैंड है कितना एच सी पी होल्ड कर रहा है, हार्ट के क्वीन 2 एच सी पी, स्पेड 3 एच सी पी एंड डायमंड में 4 एच सी पी, 8 एच सी पी। अगर ये जो शेप है इनका 4-3-3 शेप, अगर ये शेप ना होकर 4-4-3-2 ऐसा कोई शेप होता तो क्या होता, ये ईस्ट हैंड 3 स्पेड ज़रूर सपोर्ट करता था उसके पार्टनर को। तो यही वो वजह है कि जिसके लिए क्या कर रहा, इस हैंड ने 3 स्पेड में बीट कर नहीं पाए दिस टाइम पे, देखा था वो मैं यहाँ पर, देखिए मेरे पार्टनर ने 3 डायमंड बीट किया था और ईस्ट हैंड ने पास किया था, तो यहाँ पर क्या करते, पास नहीं करते, 3 स्पेड बीट करते अगर उसके पास 4-3-3 शेप नहीं होते। और एक चीज़ देखिए मैंने क्या कहा था कि ओपोनेंट के पास बैलेंसड हैंड है, ओपोनेंट के पास, दोनों ही ओपोनेंट के पास बैलेंसड हैंड है, और नहीं तो एक हैंड में बैलेंसड हैंड है और एक हैंड में सेमी बैलेंसड हैंड है। तो जैसा कि ईस्ट हैंड में देख रहे हो बैलेंसड हैंड है और वेस्ट हैंड क्या है, सेमी बैलेंसड हैंड है, सेमी बैलेंसड हैंड मतलब कि दो डबल टोन, हार्ट डबल टोन एंड क्लब्स डबल टोन, इसे कहते हैं सेमी बैलेंसड हैंड। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आप ब्रिज खेल में क्या जानना चाहते हैं कमेंट में लिख कर ज़रूर बोले, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे खेलते हैं ब्रिज और ब्रिज में कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि इस हैंड पर देखा ही होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया था। तो थोड़ा सा अगर और भी टाइम लेकर कैलकुलेशन करता तो ये भी निकाल लेते कि हार्ट के जो क्वीन है वो किसके पास है, लेकिन मैंने इजीली खेल दिया हार्ट क्योंकि मुझे पता इस सब में गेम हो रहा है, तो इजीली मैंने खेल दिया हार्ट, फाइनेंस नहीं किया। तो मनी मनी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक्स।